जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सारे दोस्त खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अयाज गिल फिर से मौजूद है एक और नए रिव्यू के साथ। तो आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो है यहाँ पे ये BRV जो है ये गाड़ी होंडा की आपको दिखाऊंगा मैं आज की वीडियो में। उसके बाद जो है कि टोटल जेन्युइन कंडीशन में जनाब ये एक GLI जो है ये आज की वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। और उसके बाद जो है एक और गाड़ी जो है ये भी मौजूद है, ठीक है। ये है जी ये भी GLI है लेकिन ये डाउन मॉडल में, ठीक है। ये 2012 मॉडल में गाड़ी अवेलेबल है और इसका जो है ना जस्ट एक फेंडर जो टचिंग बताया जा रहा है, बाकी ये सारी गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में जो है ये बताई जा रही है। तो इन ये जो शोरूम है ये है जी इत्तेफाक मोटर्स वाले हैं, ये आप देख सकते हैं ये इनका बोर्ड है, साइन बोर्ड इत्तेफाक वाले हैं, ठीक है। तो इनके पास जो है ना ये गाड़ियाँ मौजूद है। इनका नंबर मैं वीडियो की स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूँगा। चैनल पर नया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का निशान है उसको ऑल पर क्लिक कर लें, उससे होगा ये कि आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन होते हैं ना वो आप लोगों को मिल जाया करेंगे। तो बाकी इनकी जो लोकेशन है ये भी मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। जो लोकेशन है जी शोरूम की ये है जी गुजरानवाला में। जब आप चांदा किला से सिटी की तरफ जाते हैं तो ये आप जी मंगोलिया देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड आपने आना तो इनका शोरूम जो है आप लोगों को नज़र आ जाएगा, जो कि मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखा भी दिया है। तो बाकी वीडियो का आगाज़ करते हैं, दिखाते हैं कि इनके जो हैं गाड़ियों के मॉडल शोडल कौन से हैं, डिमांड की कितनी कर रहे हैं और बाकी जो है डिटेल्स आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो में कंडीशन किस तरह की गाड़ियों की। तो सबसे पहले जो गाड़ी है ये मैं 2015 मॉडल आप लोगों को GLI दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। 2015 मॉडल है और इसकी जो है टोटल जेन्युइन की जो है इसकी आवाज़ लगा रहे हैं शोरूम वाले। 15 मॉडल है, कंडीशन आप इसकी फ्रंट चेक करें जनाब। कलर भी इस गाड़ी का बिल्कुल खूबसूरत है, फ्रंट बम्पर बोनट इसका बिल्कुल साफ हालत में है, ठीक है। साइडों से अगर गाड़ी की लुक की बात करें तो जनाब लुक इसकी बिल्कुल A to Z बिल्कुल फ्रेश है। टायर वगैरह इसके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितने नीट एंड क्लीन हालत में जो है गाड़ी के टायर्स मौजूद हैं। इस डोर के ऊपर लाइट से माइनर से स्क्रैचेस जो हैं ये मौजूद हैं जस्ट बिकॉज की ये गाड़ी टोटल जेन्युइन बताई जा रही है। बाकी आ जाएं इसकी बैक साइड पे जो व्यू है गाड़ी का ये भी दिखाता हूँ कि कंडीशन टोटल किस तरह की है। बैक कैमरा वगैरह जो है ये इसमें मौजूद है और इसका बैक बम्पर डिक्की वगैरह आप देख सकते हैं, लाइट्स वगैरह इस GLI की। और इस तरफ से जो इसकी दूसरी साइड है इस साइड से भी आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं, व्यू वगैरह गाड़ी का, डोर्स वगैरह ठीक है। इसके जो मिरर्स हैं ये भी आप देख सकते हैं। और आ जाए अंदर से गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये इसकी डोर की सील्स वगैरह हैं जी, ठीक है। और ये इसके गत्ते वगैरह डोर के आप चेक करें। और ये गाड़ी का माशाल्लाह जो डैशबोर्ड है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में है। गाड़ी का जो मीटर है ये भी आप देख सकते हैं कितना ये गाड़ी ऑलमोस्ट चली हुई है। और मैनुअल गियर ट्रांसमिशन में है ये गाड़ी, कुछ ऑटोमेटिक भी होती हैं। सीट्स वगैरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसकी। बाकी आप इसकी जो है सीट्स वगैरह चेक करें, सीट्स गाड़ी की जो है ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बाकी आप इसका जो है सारा अंदर से रूफ वगैरह भी देख सकते हैं, रूम गाड़ी का बिल्कुल माशाल्लाह ओके है, एसी हीटर हर लिहाज से गाड़ी बिल्कुल ओके है। आ जाए इसका बैक रूम जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप बैक रूम गाड़ी का चेक करें जनाब, बिल्कुल नीट क्लीन है, ठीक है। ये मैं कह नहीं रहा, आप खुद भी वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आप इसका बैक डोर भी देख सकते हैं। तो अभी जो है इसका मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो ट्रंक है, तो माशाल्लाह आप चेक करें गाड़ी का, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। इतनी साफ सुथरी गाड़ी दोस्तों आप लोगों को मुश्किल ही है कहीं से मिले। गुजरांवाला में इत्तेफाक मोटर वालों के पास ये गाड़ी मौजूद है, स्टपनी वगैरह आप देखें और हौदा वगैरह कहीं पे भी कोई भी जंग या रस्ट ज़रा सी भी मौजूद नहीं है, ठीक है जी। ट्रंक आपने इस गाड़ी का देख लिया है। और अभी जो है इसका मैं आप लोगों को बोनट ओपन करके तो इसका इंजन भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि इंजन की किस तरह की कंडीशन है। तो अभी जो है भाई इसका बोनट ओपन करने लगे हैं। तो ये इस गाड़ी का जनाब इंजन आप देखें, 1.3 जो है दोस्तों ये गाड़ी का इंजन होता है GLI का। और देख सकते हैं कि गाड़ी की सर्विस अच्छी हुई हुई है, ठीक है। और फैमिली यूज़ में ये गाड़ी है और किसी किस्म का इसमें कोई इशू नहीं है। इंजन इसका बिल्कुल माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। फ्रंट पट्टी आप इसकी चेक करें, ठीक है। बैटरी वगैरह कुप्पे वगैरह इसकी आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इसके दोनों कुप्पे हैं और सारा जो होता है गाड़ी का ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में। बोनट भी इसका आप लोग देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और जनाब ये थी GLI 2015 मॉडल, लाहौर की रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। और इसके पीछे माशाल्लाह क्लाउड्स भी जो हैं ये बहुत अच्छे खूबसूरत आज बने हुए हैं। तो इसी के साथ जो गाड़ी की डिमांड है ये भी आपको बता देता हूँ मैं। डिमांड इसकी करें 33.5 लाख रुपया इस GLI की डिमांड की जा रही है। प्राइस निगोशिएबल है, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड हैं तो कॉल करके रब्ता कर सकते हैं जी। शोरूम का नंबर मैंने वीडियो की स्क्रीन के ऊपर शेयर किया हुआ है। इसके बाद जो है ये 2012 मॉडल, ये भी लाहौर नंबर की ये GLI मौजूद है। और ये जो है इसका एक फेंडर जो है आगे वाला लेफ्ट फेंडर ये टचिंग बताया जा रहा है, बाकी ये भी सारी गाड़ी अपनी जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है, ठीक है। ये पुरानी मतलब ओल्ड शेप में है। और इसका अभी आप फ्रंट चेक कर सकते हैं जनाब, बम्पर और बोनट
बिल्कुल साफ है। बोनेट के ऊपर कुछ स्क्रैचेस जो हैं ये थोड़े से मौजूद हैं लाइट से, और इसके बाद इसमें जो है ये मार्शल के टायर्स मौजूद हैं, अलॉय रिम इसमें मौजूद हैं, और साइडों से जो डोर्स की कंडीशन है ये भी ऑलमोस्ट इसकी बिल्कुल जेन्युइन हालत में नज़र आ रही है। ठीक है, आगे से इसकी जो है ना, मतलब इसकी जो बैक साइड आगे ये आप चेक करें जनाब, इसकी जो बम्पर की कंडीशन है ठीक है, बैक कैमरा वगैरह इसमें मौजूद है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और डिक्की वगैरह इसकी बिल्कुल ठीक हालत में है। इसके बाद इसकी जो वाइड एंगल में व्यू की कंडीशन है ये आप देखें, गाड़ी की कंडीशन जो है वाइड एंगल में, सारे इसके डोर्स वगैरह आप चेक करें। ठीक है जी, आ रहे हैं अभी जो है ना, मैं इसका आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से, रूम वगैरह गाड़ी का चेक करवाता हूँ, मिरर वगैरह आप इसके देख सकते हैं। ठीक है जी, और रूम इसका आपको चेक करवाते हैं। ये सबसे पहले डोर के सील्स वगैरह देखें, गद्दे वगैरह बिल्कुल ओके हैं जी अपनी जगह पे, और इसके बाद ये इसका डैशबोर्ड है जो कि बिल्कुल ठीक हालत में है मॉडल के लिहाज से, और इसके बाद ये जनाब इसकी सीट्स आप चेक करें। ठीक है, सीट्स वगैरह भी गाड़ी की बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में है, और इसका जो है मैं ओपन कर लेता हूँ बैक रूम। तो ये जनाब बैक रूम की आप नीचे मैटिंग चेक करें, बिल्कुल साफ मैटिंग है, न्यू है, और जो इसकी सीट्स हैं ये भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, साफ़ हैं, डोर भी इसका आप लोग देख सकते हैं। आ जाए इसका ट्रंक और बोनट खोल के इंजन भी आपको दिखा देता हूँ, फिर जो है इसकी भी डिमांड आपसे शेयर करते हैं कि इस गाड़ी की जो डिमांड है ये इत्तेफाक मोटर्स के ऊपर कितनी कर रहे हैं भाई। तो ये है जी इस गाड़ी का ट्रंक, आप देख सकते हैं डिक्की की कंडीशन। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये इसकी बैक स्पेस है, और जनाब यहाँ पे ये इसका जो है हौदा वगैरह आप देख सकते हैं। इस गाड़ी का भी जो हौदा है ये बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में मौजूद है, स्टेपनी वगैरह जैक पाना राड, ये इसका पीछे आप देख सकते हैं कि सारा जो सामान है ये अवेलेबल है। और अभी जो है इस डोर को भी बंद कर लेते हैं और आगे बोनट खोलते हैं, इसका इंजन आपको मैं दिखाता हूँ जी, इंजन की इसकी और सारी जो कंडीशन है वो आपको दिखाते हैं। तो ये है जी इसकी कंडीशन, फ्रंट पट्टी की, बैटरी की, और ये इसके कुप्पे आप देख सकते हैं गाड़ी के, इसका ये दूसरा कुप्पा, और ये इसका ऑल ओवर इंजन है, और ये इसकी बोनट की कंडीशन है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके क्लियर हैं, इंजन वाइज गाड़ी ओके है। ठीक है, इसको ख़रीदें और चलाएं बस। ठीक है, इस गाड़ी की जो डिमांड है वो कर रहे हैं जी 23.5 लाख रुपया। ठीक है, 20 मतलब के इंग्लिश नहीं ना आती पीते 23.5 कह सकते थे। ठीक है, हाय सांस चढ़ गया, गर्मी भी आ गई, आप देख सकते हैं बादल बने हैं साथ, धूप भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो इसकी कर रहे हैं डिमांड जी 23,50,000 रुपीज़ इसकी डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई भाई इसमें इंटरेस्टेड है तो आप लोग इत्तेफाक मोटर वालों से राबता कर सकते हैं। आगे है जी BRV 2017 मॉडल है। ठीक है, ये भी लाहौर की रजिस्टर्ड है, और इसकी भी जो है कंडीशन टोटल जेन्युइन बताई जा रही है। अलॉय रिम वगैरह इसमें आप इसके देख सकते हैं। ठीक है, साइडें इसकी ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्रेश हैं। ठीक है, डोर्स वगैरह इसके बिल्कुल स्क्रैचलेस हैं, और बैक साइड भी आ रहे हैं तो ये इसकी बैक साइड से आप व्यू चेक कर सकते हैं गाड़ी का। ठीक है जी, डिक्की वगैरह मिरर्स वगैरह जो हैं इसके, ये बैक साइड से इशारे वगैरह इसके बिल्कुल साफ़ हैं। आगे आ जाएं जी, ये इसकी राइट साइड है, राइट साइड से भी आप गाड़ी का व्यू चेक कर सकते हैं, और ये इसकी अंदर से डोर की कंडीशन है। ठीक है, ये सारा आप डोर देख सकते हैं, और ये इसमें जनाब इसका जो डैशबोर्ड है, मल्टीमीडिया के ऑप्शंस मौजूद हैं स्टीयरिंग के ऊपर, और ऑटोमेटिक गेट शिफ्टिंग स्क्रीन लगी हुई है। सीट्स वगैरह आप इसकी चेक करें गाड़ी की, पीछे वाली सीट्स, और ये इसका रूफ जो है अंदर से, और इंजन वाइज ये भी गाड़ी बिल्कुल ओके है। डॉक्यूमेंट्स तमाम गाड़ियों के अवेलेबल हैं, और इस गाड़ी की जो डिमांड है ये 44 लाख रुपीज़ कर रहे हैं, मीन्स कि 44 लाख रुपया इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो ये हैं जी इत्तेफाक मोटर्स वाले। ठीक है, ये इनके जो है नंबर्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इन नंबर्स के ऊपर जो है आप लोग रابطہ कर सकते हैं जी। तो व्यूअर्स, गाड़ी किसी लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपने इजहार ख्याल ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो गाड़ी है वो ढूंढ के तो उसका रिव्यू करो। बाकी दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं जल्द से जल्द एक और नई प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।